गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रीढ़ की हड्डी का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा रामस्वरूप गोपाल प्रसाद में बातचीत होती है, खूबसूरती के सौंदर्य का चर्चा होता है। गोपाल प्रसाद कहता है कि आज के ज़माने में लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, चाहे वह जैसे भी खूबसूरत लगे। और रामस्वरूप से सवाल कर देता है कि आपकी लड़की तो ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, वह तो सुंदर है। रामस्वरूप उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म भी समझिए। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है और जायजा जन्मपत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए, क्यों शंकर? लेकिन बता रहे हैं कि रामस्वरूप अपनी लड़की के बारे में कहते हैं कि उसके बारे में कहना क्या है, बताना क्या है, अभी आप उसको देखकर खुद ही समझ जाएंगे। गोपाल प्रसाद कहता है कि जब आपसे हमारी बात हो चुकी है, यह समझ लीजिए हमने एक प्रकार की रस्म कर ली है। और फिर प्रयोग करता है कि जो जन्मपत्र है, जन्म कुंडली है, वह मिल गई है। रामस्वरूप जवाब देते हैं कि जन्मपत्र का मिलना क्या मुश्किल है, ईश्वर के चरणों में रख दिया, ईश्वर ने चाह लिया तो सब कुछ मिल गया। उसके बाद गोपाल प्रसाद कहता है कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ नखरी ज़्यादा दिखाती हैं, हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। अपने पुत्र शंकर से कहता, क्यों शंकर? शंकर जवाब देता कि हाँ हमें नौकरी नहीं करानी है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तो उनकी बहनें भी ग्रेजुएट लीजिएगा। भला पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। गोपाल प्रसाद लड़की के ऊपर, लड़की की शिक्षा के ऊपर, पढ़ाई लेके के ऊपर तरह तरह का तर्क देता है और कहता है कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं जब आपने अपने लड़के को बी ए में कराया है तो बहू भी कम से कम ग्रेजुएट पास लाइएगा। मैं इन लोगों से पूछता है कि लड़के और लड़की एक समान नहीं हो सकते हैं, लड़के और लड़कियों की पढ़ाई में अंतर होता है। लड़कों का काम है पढ़ना, योग्य बनना, और यदि औरतें भी पढ़ लिख कर अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, राजनीति करने लगी, बहस करने लगी, तो वो घर का गृहस्थी संभाल चुकी। और उदाहरण देते हैं, तर्क देते हैं कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊँची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। रामस्वरूप, शंकर से चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। गोपाल प्रसाद से, आप बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या, बताएं वहाँ मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। अब रामस्वरूप और गोपाल खाने पीने की बातें करते हैं। गोपाल प्रसाद कहता है कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग काम दिए गए हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो दुनिया में सिर्फ मर्द कर सकते हैं, उन कामों में से ऊंची शिक्षा भी, ऊंची तालीम भी मर्दों के लिए है।
राम स्वरूप तभी उन दोनों के स्वागत के बारे में, खान पान के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि आपने कुछ नहीं खाया। गोपाल प्रसाद जवाब देता है, हमें सिर्फ नाश्ता ही करना था, पेट नहीं भरना था और मैं टोस्ट नहीं खाता। राम स्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए वहाँ आती है सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। राम स्वरूप, यही है आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर कूट जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने के रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौक उठते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चश्मा। लेखक ने बताया है कि अब गोपाल प्रसाद कहता है कि अब आपने हमारी बहुत सारी खातिरदारी कर दी है, अब हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को आगे बढ़ाएं। तभी राम स्वरूप आवाज़ देता है कि जरा पान भेजना, और उमा हाथों में पान की तस्तरी लिए सादगी सादा कपड़ा पहने हुए बाहर निकलती है। राम स्वरूप उससे कहता है कि पान मुझे दे दो, वह तस्तरी अपने पिता को देती है और उसी समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है, उसके नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा गोपाल और शंकर देखते हैं और चकित हो जाते हैं कि चश्मा। राम स्वरूप जरा सक पका कर, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ माँ, उस तख्त पर अपने बाजी बाजी के पास। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है, थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। लेखक ने बताया कि गोपाल प्रसाद उमा से तर्क वितर्क करता है और उसके चश्मे को देखकर कहता है, कहीं यहाँ पढ़ाई का चक्कर तो नहीं है, क्योंकि अधिकांशता ज़्यादा पढ़ने से आँखों में समस्याएँ आ जाती हैं, चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो राम स्वरूप ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। और गोपाल प्रसाद कहते हैं कि कुछ गाना वाना आता है, चाल चलन में कोई खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, तेज है। राम स्वरूप भी उसे कहते हैं, हाँ सितार और बाजा आता है। वह सितार उठाकर उसे गाना गाने के लिए कहता है। उमा मेरा भाई का पद मशहूर पद गाती है, वह गाने में इतनी तल्लीन हो जाती है कि वह शंकर की झेपती हुई सूरत को देख लेती है, पहचान जाती है और अचानक गाना गाना रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने कूदती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठे रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। अब जब उमा गाने को बीच में ही रोक देती है और अंदर जाने लगती है, तो गोपाल प्रसाद कहता है कि अभी थोड़ा बैठो, और पूछता है कि क्या तुम्हें पेंटिंग भी आती है? तभी राम स्वरूप जवाब देता है कि जितनी तस्वीरें टंगी हैं सब उमा ने बनाई है। गोपाल प्रसाद फिर सवाल करता है कि क्या सिलाई भी आती है? तो राम स्वरूप जवाब देता है कि घर के जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, सभी लोगों के कपड़े यही सिलती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी यही सिलती है।